पैक्स चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव कुछ दूर में है, चुनाव को लेकर के कितनी तैयारियां हैं आप? अभी तक तो बहुत अच्छा तैयारी रहा, पिछले 5 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमें तो इतना कंफर्म है कि मेरा चुनाव निकल जाएगा, 110% गारंटी है कि मेरा चुनाव इस बार कोई रोकने जाने, क्योंकि जनता के पास अच्छे काम किए हैं, जनता को हर दुख सुख में साथ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम हुआ है धान बेचने में या गेहूं बेचने में, आदि PDS दुकान है उसमें भी हर एक तरह से मदद किए हैं, और इसके लिए हमें वो जनता का कोई शिकायत नहीं है। किसानों को सही समय राशि मिल जाती थी? जी कितनी देर में राशि मिल जाती थी? बस 2 से 3 दिन। हाँ, किसी का अकाउंट वगैरह या CC में पैसा कम गया तो लेट होता था, और किसी का कोई अकाउंट मतलब गलत उलत होता था उसके लिए वो करना पड़ता था, और ऐसा कुछ नहीं था कि हमको जो सब चीज़ से ठीक ठाक है, जो उनका अकाउंट में तुरंत पैसा चला जाता था, कोई दिक्कत नहीं था उसके लिए। नुकसान में जाए इससे पर कोई उसकी से, हाँ इस बार देखिए मेरा माइनस में है, जो सरकार दिया उससे हम 40,000 रुपया मेरा अकाउंट अभी भी माइनस है। हम लोग का ये बताया कि कुटैया तक देने का नहीं है, हम लोग का पॉकेट से भरना पड़ जा रहा है, यह स्थिति आ गया है। आज चुनाव भी है हम लोग का, प्लस मेरा इस बार अकाउंट का 40,000 रुपया माइनस, SFC फूड कॉरपोरेशन से जो आया पैसा उसमें उसका CC अपना काट लिया पूरा, उसके बाद 40,000 रुपये से मेरे यहाँ ड्यूज गिरा दिया, गिर गया। और बदलनी चाहिए ना, स्थिति तो बहुत ज़रूरी है बदलने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए प्लस कुटाई के लिए, ये सब चीज़ के लिए मनमानी बहुत ज़्यादा होता है, ये सबसे बहुत परेशान आदमी रहता है। उसना हो जाने के कारण और थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, और एक्चुअली देखा जाए तो खास करके मिल के लेवल के जो होता है ना, बहुत अति वो हो गया। मिल लोग अपना धान देते हैं, बोलते हैं कितना परसेंट खखरी है, इतना परसेंट दागी है, हम लोग आखिर दागी कैसे पकड़े अंदर में, चावल जो है धान के नीचे उसको हम लोग खखरी पकड़ सकते हैं, मिट्टी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा वो वहाँ जाता है तो मशीन में जाँच करता है, उसके बाद हमें बताता है कि इतना दागी आपका 4% 5% माइनस कर देता है। सब तरह का प्रॉब्लम ऐसा बहुत 2 साल से झेल रहे हैं। अच्छा, उसना हो गया है तो उससे तो दिक्कत है ही, मांग आप लोग ये बार बार रखते हैं कि उसना मिल की संख्या बढ़ाई जाए, मिल की संख्या बढ़ाई जाए, हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग का बढ़ाया जाए, प्लस हम लोग का ये कुटाई का किया जाए, लेकिन ये सब चीज़ के लिए अभी तक सरकार सुन नहीं रही। 2002 का ही है ये वो जो कुटाई अभी तक चल रहा है। चुनावी घोषणा पत्र भी आपका लगभग तैयार हुआ? जी निकल गया इस बार का आपका चुनावी घोषणा, मतलब हम लोग का 15 को 3 दिन का नॉमिनेशन का डेट निकला है, 29 तारीख को वोट है, 30 तारीख को रिजल्ट है, समझिए तो 16, 17, 18 3 दिन है अपना नॉमिनेशन का, और उसके बाद 30 तारीख को गिनती है, 29 का वोटिंग है। घोषणा में क्या कुछ विशेष है इस बार, अगर फिर से बन करके आ रहे हैं आप तो कुछ विशेष करेंगे आप किसानों के? जरूर करेंगे, जब तक हैं हम रुकने वाले नहीं, करेंगे जरूर किसानों के, हाँ करेंगे, चाहे जिसके लिए हमें जो भी करना पड़े। कई सारे प्रत्याशी मैदान में, आपको अपनी जीत को लेकर क्या आश्वस्त? बहुत सारे थे, अगला बार भी थे बहुत सारे, जो अगला बार भी 4-5 थे, और प्रत्याशी स्वतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है। अभी चुनाव में आए तो मेरे लमसम 5 गो पंचायत में मेरा है कैंडिडेट, वो कैंडिडेट लमसम सब आएंगे, तो वो तो जनता का बीच है, किसी का बाप का कोई जागीर नहीं है कि वो पद पे ही रहेगा, जिसको जनता चाहेगा वो रहेगा।